हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन हियर इट इज दैट व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाउ डिड रमेश चंद्र डगर, अ फार्मर फ्रॉम सोनीपत हरियाणा, इफेक्टिवली यूज दिस प्रोसीजर एंड सक्सीड विद जीरो वेस्ट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे की कंसेप्ट को डिस्कस करें तो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन क्या करेंगे कि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। सो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें, इट इज अ साइक्लिक प्रोसीजर, ठीक है। ये एक साइक्लिकल प्रोसीजर है, ठीक है। वे वेस्ट प्रोडक्ट, जहां पे क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वे द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकल्ड एज इन एज न्यूट्रिश। ये जो है ये साइकल्ड होते हैं एज न्यूट्रिएंट्स फॉर अनदर प्रोसेस, ठीक है। एज अ न्यूट्रिएंट्स फॉर द अनदर प्रोसेस। सो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने हमें दिया ना कि रमेश चंद्र डगर जो थे फार्मर थे, उन्होंने कैसे इस प्रोसीजर को यूज किया विद जीरो वेस्ट। सो बेसिकली क्या था, उनका जो फार्म था, हिज फार्म दैट इंक्लूड बी कीपिंग थी उसमें, ठीक है। उसमें जो थी बी कीपिंग इन्वॉल्व थी, डेयरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व था, इवन डेयरी मैनेजमेंट जो था वो भी इन्वॉल्व था, अलॉन्ग विद वाटर हार्वेस्टिंग थी, वाटर हार्वेस्टिंग भी थी, एंड इवन यू कैन से कंपोस्टिंग भी थी। कंपोस्टिंग भी बीच में थी उनके, उनके फार्म में ये सब कुछ था, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर। सो देयर इज नो नीड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो वहां पे वो ना केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज ही नहीं करते थे। नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सच एज कैटल एक्सक्रीटा इज यूज एज अ मेन्योर। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि जो कैटल एक्सक्रीटा था, ठीक है, उसको उन्होंने यूज किया एज अ मैन्योर, दैट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। जो क्रॉप वेस्ट था, ठीक है, जैसे कि जो क्रॉप वेस्ट होता था उसको उन्होंने यूज किया एज अ कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट यूज किया सो दैट दे कुड प्रोड्यूस नेचुरल गैस, जिससे वो क्या प्रोड्यूस कर पाए, नेचुरल गैस फॉर सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड्स ऑफ द फार्म, ठीक है। नेचुरल गैस से वो क्या करते थे, दे कुड सेटिस्फाई एनर्जी नीड्स। तो इस तरह से उन्होंने अपने फार्म में वो सब कुछ कर रहे थे जिससे कि एक का जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट प्रूफ हो जाए। तो इस तरह उन्होंने जो था जीरो वेस्ट के साथ सारा कुछ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया। होप इट इज क्लियर, ऑल द बेस्ट।